भारतीय सेना में पलटन का विशेष महत्व होता है। पलटन के कमान अधिकारी पलटन का राजा या ये कहें कि पिता तुल्य माना जाता है। जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा की देखरेख पुत्र की तरह करता है, उसी प्रकार कमान अधिकारी भी जवानों और उनके परिवारों के साथ ही सेवानिवृत्त सैनिकों की भी देखभाल करते हैं। भारतीय सेना की इस महान परंपरा को निभाते हुए 20 कुमाऊं पलटन के कमान अधिकारी कर्नल मनीष गुप्ता ने जगदम्बा नगर स्थित सैनिक मिलन केंद्र में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान वीरांगना वीना अधिकारी, पत्नी शहीद जयपाल सिंह अधिकारी, प्रेमा डोरवी पत्नी शहीद नायक खीमचंद्रा और रेखा सनवाल पत्नी शहीद दिनेश सनवाल को सम्मानित किया गया। साथ ही कमान अधिकारी कर्नल मनीष गुप्ता ने पूर्व सैनिकों की कुशल क्षेम पूछी। वहीं उन्होंने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पलटन में रहकर देश सेवा की है, पलटन से सदैव संपर्क बनाए रखें। इसके बाद कालिका माता की जय और 20 कुमाऊं के जयकारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर कैप्टन वीरेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर दमेंद्र सिंह, गंगादत्त, जयदत्त वंशीधर, रमेश चंद्र, जसवंत सिंह, नायब सूबेदार पान सिंह, देवेंद्र सिंह दपौटी शामिल रहे। सब प्रोग्राम किया है अपने सभी पूर्व सर्विसमैन और सभी वीर नारी को, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन आर्मी में, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं अच्छी तरह से और यकीन करते हैं कि हमारा ये जो पूरा मेल मिलाप का प्रोग्राम है ये आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा और इंडियन आर्मी हमेशा अच्छा काम करती रहेगी। मैसेज सभी के लिए ये है कि जिस प्रकार से हमने देश को मजबूत किया है शुरू से लेकर आज तक, उसी प्रकार से करते रहें। और क्योंकि कुमाऊं रीजन है पूरा और यहाँ से काफ़ी लोग फौज में आते हैं, तो वो उस तरह चलता रहे और हम निरंतर इसमें अच्छा काम करते रहें। हमारे 20 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों के साथ में यहाँ पर पुनर्मिलन था। पलटन के कमांडिंग अफसर यहाँ पर आए, उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों के कुशल क्षेम पूछी और उनका साथ साथ हौसला अफजाई किया और साथ साथ में ऐसी वीरांगनाएँ जिनके पतियों ने इस देश के लिए शहादत दी है, मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें सम्मानित किया और उन्हें यह एहसास कराया कि पलटन सदैव आपके साथ में खड़ी है।